नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की है। सोलन सब्जी मंडी में लोकल टमाटर की भी आपूर्ति हो रही है और नासिक से भी टमाटर मंडी में पहुंच रहा है। हालांकि लोकल टमाटर की आपूर्ति अब बहुत कम हो गई है और सोलन के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से ही कुछ एक टमाटर की क्रेट जरूर मंडी में पहुंच रही है। वजह है कि सर्दी अब लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में जबरदस्त गिरावट मंडी में देखने को मिल रही है और उसी का ही परिणाम है कि टमाटर अब पक नहीं रहा है और टमाटर ना पकने की वजह से आप देख सकते हैं कि कम मात्रा में लोकल टमाटर पहुंच रहा है। सोलन सब्जी मंडी में लोकल टमाटर की बस यही टमाटर की क्रेट पहुंची हुई है जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और भाव भी अब उस तरह का टमाटर का नहीं रहा है जिस तरह का एक समय देखने को मिल रहा था। हालांकि दिवाली के आसपास टमाटर के भाव में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से अब टमाटर के भाव में गिरावट लगातार देखने को मिली है क्योंकि क्वालिटी भी उस तरह की नहीं रही है। सर्दी के मौसम में अब टमाटर पक नहीं रहा है, बीच में टमाटर पक रहा है तो कभी कच्चा कभी पक्का इस तरह का टमाटर मंडियों में पहुंच रहा है और उसी का ही परिणाम है कि टमाटर के भाव में लोकल टमाटर के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 200 से 350 रुपए के बीच में आज लोकल टमाटर सोलन सब्जी मंडी में बिका है। शिवपुरी का टमाटर आप देख सकते हैं, मंडी में अब लगातार आपूर्ति शिवपुरी से हो रही है और यह 550 रुपए तक टमाटर बिक रहा है। 550 रुपए तक सब्जी मंडी में आज यह टमाटर बिक रहा है और टमाटर के भाव में बाहरी राज्यों के टमाटर के भाव में हम कह सकते हैं कि लोकल की तुलना में थोड़ी ज़्यादा तेजी है। लोकल टमाटर का अब सीज़न वैसे तो समाप्त हो चुका है क्योंकि बरसात के सीज़न का यह टमाटर है और अब सीज़न इसका समाप्त हो चुका है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ पर कोहरा कम पड़ रहा है वहाँ से टमाटर की आपूर्ति अभी जारी है। जहाँ पर कोहरा पड़ रहा है, ऊंचे स्थान है, पहाड़ियों पर स्थित गांव है, तो वहाँ से टमाटर मंडी में जरूर आ रहा है और जहाँ जिन एरियों में कोहरा कम है वहाँ से टमाटर की आपूर्ति जरूर हो रही है, लेकिन अब उस तरह के टमाटर पक नहीं रहा है तो उसकी वजह से यदि एक किसान आज टमाटर लेकर आ रहा है तो हफ्ते बाद ही दूसरी आपूर्ति आ रही है क्योंकि दिन के समय में भी तापमान में अब गिरावट देखने को मिली है और रात का तापमान तो सोलन का 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है तो वहां पर तो और ज़्यादा कम हो सकता है क्योंकि हवाएं तो ठंडी ठंडी हवाएं पहाड़ियों पर चली रहती है तो उसकी वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बाहरी राज्यों से टमाटर की आपूर्ति अब जारी है। कुछ दिनों बाद अहमदाबाद का टमाटर भी शुरू हो जाएगा और अहमदाबाद का टमाटर 400 से 500 रुपये पूरा सीजन पूरी सर्दी के मौसम में बना रहेगा। इस तरह के भाव अहमदाबाद के टमाटर के रहते हैं और आगे मार्च अप्रैल में लोकल टमाटर की धीरे धीरे आपूर्ति शुरू होती है अप्रैल के महीने में, लेकिन उससे पहले अब बाहरी राज्यों के टमाटर के ऊपर ही हिमाचल को निर्भर रहना पड़ेगा। बरसात के सीजन में इस बार किसानों को टमाटर की फसल में भारी नुकसान हुआ है क्योंकि एक तरफ भाव नहीं मिला, दूसरी तरफ जिस तरह की बरसात हिमाचल प्रदेश में हुई है उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। हालांकि अगस्त के महीने में बारिश प्रदेश में सामान्य से कम जरूर हुई, लेकिन सोलन जिला में सामान्य से बहुत अधिक बारिश इस बार देखने को मिली है। ये स्थिति सिरमौर की थी, ये स्थिति शिमला की थी, तो यहाँ पर टमाटर की पैदावार ज़्यादा होती है तो इसके कारण लोकल किसानों को टमाटर की फसल में बहुत नुकसान इस बार हुआ है। भाव उस तरह के नहीं मिले हैं, 350 रुपये मैक्सिमम रेट टमाटर का बना रहा, लेकिन श्राद्ध और नवरात्रों के आसपास टमाटर के भाव में थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिली थी। यदि हम अन्य सब्जियों की बात करें तो अन्य सब्जियां भी सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में पहुंची हुई है और किस तरह के भाव सब्जियों के सोलन सब्जी मंडी में आज रहे हैं तो उस पर चर्चा करने के लिए अब निट्टू भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं।
निठू भाई, आज सब्जियों के क्या भाव? पहले तो टमाटर के बताएं। टमाटर जनाब बिक रहे 350 रुपए पहाड़ी लोकल जी, गोली 200 रुपए और नासिक का टमाटर 500 रुपए और गोल वाला जो टमाटर आ रहे हैं वो 480-490 रुपए और मटर 25 रुपए किलो, गाजर 20 रुपए किलो, खीरा 25 रुपए किलो, बैंगन बैंगनी 25 रुपए किलो, बंद गोभी 250 रुपए, मूली 15 रुपए, पालक 15 रुपए और मेथी 20 रुपए किलो, धनिया 30 रुपए किलो, चुकंदर 20 रुपए किलो, हरी मिर्च 30 रुपए किलो, शिमला मिर्च लोकल 25 रुपए किलो बिकी और जो देसी है वो 30 रुपए किलो बिक रही है और जिमीकंद 60 रुपए किलो जी, नींबू 50 रुपए किलो, मूली 15 रुपए किलो जी, बंद गोभी 250 रुपए कटा जी, फूल गोभी 17-18 रुपए किलो, 17-18 रुपए। हाँ जी, नींबू के क्या भाव? नींबू 40-50 रुपए किलो जी। अदरक बिक रहा जी 80-100 रुपए। घिया बिक रहा जी 35-40 रुपए किलो जी। कद्दू बिक रहा जी, लाल वाला कद्दू 15 रुपए किलो पहाड़ी और देसी जो ग्रीन वाला कद्दू है वो 25 रुपए किलो। थैंक यू। और नीतू भाई थे जो हमें भाव बता रहे हैं कि सब्जियां किस भाव सोलन सब्जी मंडी में ये बिकी है, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ पहले नहीं जुड़े हैं तो उन्हें हम टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जियों के भाव के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। मंडी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मटर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। मटर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में आज हुई है। बैंगन भी मंडी में तेजी पकड़े हुए, 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। खीरा 25 रुपए है और हरा धनिया 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। गोभी के भाव 15-17 रुपए के बीच में पिछले काफ़ी दिनों से बने हुए हैं और हरियाणा से गोभी सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त आ रही है। अदरक देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, अदरक की भी आपूर्ति मंडी में जारी है और लाल पीली शिमला मिर्च भी सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त पहुंच गई है। क्या भाव शिमला मिर्च और मंडी में इस वक्त तस्वीरें मशरूम 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज बिक रही है। लाल पीली 30-65 रुपए इसका भाव है, अगर क्योंकि इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। गोभी तस्वीरें आप देख रहे हैं और टमाटर आज सोलन सब्जी मंडी में 550 रुपए तक बिका है। टमाटर की आप देख सकते हैं लाल मिर्च मंडी में आज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लाल की हरी शिमला मिर्च मंडी में आज सोलन मंडी में 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जुड़ी। और विनोद कूल जी हमारे साथ सोलन में से जुड़ गए हैं, छोटे भाई हमारे, और उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और प्याज आज मंडी में 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। टमाटर के भाव में आज कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। मंडी में आज टमाटर 550 रुपये तक जो बाहरी राज्यों से टमाटर पहुंचा हुआ है वो बिक रहा है, जबकि लोकल टमाटर की अब डिमांड भी कम होती जा रही है और आपूर्ति भी कम है। कारण है कि क्वालिटी अब उस तरह की नहीं है, सर्दियाँ लगातार बढ़ती जा रही है उसकी वजह से टमाटर पक नहीं रहा है और लाल और कच्चा टमाटर पहुंच रहा है और उसकी वजह से उस तरह के भाव नहीं मिले हैं। और जिन एरियो में इस वक्त टमाटर हो रहा है ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, आलू में आज तेजी है, 7 रुपए से लेकर 7.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। विनी जी और काकू कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम उनका भी स्वागत करते हैं। नेगी जी का स्वागत है, दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और आज टमाटर के भाव में ज़्यादा तेजी नहीं, जिस तरह के कल के भाव थे उसी तरह के बने हुए हैं, लेकिन लोकल टमाटर अपनी उपस्थिति जरूर सब्जी मंडी में दर्ज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोकल टमाटर मंडी में नहीं आ रहा है, कम मात्रा में आ रहा है लेकिन पहुँच जरूर रहा है। और इस वक्त टमाटर की जो आपूर्ति है वो नासिक और शिवपुरी से हो रही है। गोल्ड टमाटर भी आ रहा है, लंबा टमाटर भी आ रहा है, अलग अलग भाव सबके हैं। और लेकिन यदि हम लोकल टमाटर की बात करें तो इस वक्त 200-350 रुपए के बीच में लोकल टमाटर सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।